दोस्तों, जब से ये खबर निकल के आई है S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर, तब से चीन थर्रा उठा है। आखिरकार S-400 मिसाइल सिस्टम ऐसा क्या है जिसको लेकर पूरा चीन थर्रा उठा है? जी हाँ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जी हाँ, अब चीन ये समझ चुका है कि इस बार उसकी टक्कर 2020 के भारत से है, जो ना तो किसी के दबाव के आगे झुकता है बल्कि हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देकर दुश्मनों को झुकाने की हिम्मत भी रखता है। जी हाँ, भारत जब किसी देश को सबक सिखाता है तो वो देश तुरंत घुटनों पर आ जाता है। पहले भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसे सबक सिखाया, अब जब हिंदुस्तान ने गलवान में चीन के जवानों पर गर्दन तोड़ प्रहार किया तो चीन भी सदमे में है। अभी तो चीन के आर्थिक बहिष्कार की हिंदुस्तान में शुरुआत भर की है और चीन अभी से ही डरा हुआ दिख रहा है और रूस से ये कहा है कि वो भारत को हथियार ना बेचे। जी हाँ, चीन ने रूस को कहा है कि वो भारत को हथियार ना बेचे। चीन को भी पता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे पर भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30 MKIS और MiG-29 की जल्द डिलीवरी जल्द से जल्द देने की सहमति बन सकती है। इसको लेकर खुद राजनाथ सिंह ने इस दौरे पर वो निकल पड़े हैं। यही चीन के डर की वजह है, क्योंकि अब बदले हुए हालात में भारत उनकी सप्लाई तुरंत और हवाई मार्ग से चाहता है। इस डिफेंस सिस्टम के मिलने से भारत सेना और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, यानी कि हर तरफ से चीन को घेरा जा चुका है और अब चीन ये भी समझ चुका है कि इस बार उसकी टक्कर 2020 के भारत से है, जो ना किसी के दबाव के आगे झुकता है बल्कि हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देकर दुश्मनों को झुकाने की हिम्मत भी रखता है। जी हाँ, भारतीय सेना ने अपने दुश्मनों को तहस नहस करने की नई पॉलिसी बनाई रखी है और इसके लिए सेना ने नए हथियार भी शामिल किए जा रहे हैं। अब चीन को डर है कि अब भारत को रूस से मिलने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना को, जी हाँ, शत्रु संहार की नई ताकत देगा। जी हाँ, और बात कर ली जाए तो अब भारत की तरफ से आंख उठाकर, जी हाँ, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि भारत जमीन की लड़ाई भी आसमान से ही लड़ेगा। जी हाँ, S-400 जो मिसाइल है, ये जमीन पर तैनात रह के ऐसी आर्मी कह सकते हैं जो पलक झपकते ही सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में दुश्मन की कब्र खोद सकती है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तीन तरह के अलग अलग मिसाइल दाग सकता है। ये कम दूरी से लंबी दूरी तक मंडरा सकता है, किसी भी एरियल टारगेट को पलक झपकते ही हवा में ही नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, आसमान में फुटबॉल के आकार की कोई भी चीज़ अगर मंडराती हुई दिखाई देगी तो ये मिसाइल सिस्टम उसे डिटेक्ट करके नष्ट कर सकता है। ये मिसाइल सिस्टम पहले आने वाले टारगेट को स्पॉट करता है, फिर उसे पहचानता है। पहचान हो जाने के बाद मिसाइल सिस्टम उसे मॉनिटर करना शुरू कर देता है और उसकी लोकेशन ट्रैक करता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, स्टील प्लेन और मिसाइल और ड्रोन को भी मारकर गिराने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर डील हुई थी। इसके तहत रूस तकरीबन $5 अरब यानी कि 40,000 करोड़ रुपए में S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट भारत को बेचेगा। S-400 के मिलते ही भारतीय वायुसेना काफ़ी मजबूत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार S-400 डिफेंस सिस्टम में ऐसी क्या खास बात है तो इसके बारे में बात कर ली जाए जिसको लेकर चीन के नींद होश उड़े हुए हैं। यह दुश्मनों के फाइटर प्लेन, ड्रोन, मिसाइल का पीछा करता है। इसके रडार सिस्टम में आने के बाद दुश्मन का बचना नामुमकिन है और S-400 के हमले के सामने भागना तो दूर, संभालना भी मुश्किल है। इसमें मिसाइल दागने की क्षमता पहले से 2.5 गुना ज़्यादा है। S-400 में एक साथ 36 जगहों पर निशाना लगाया जा सकता है। यह बैलिस्टिक और क्रूज दोनों मिसाइल को बीच में ही तबाह कर देगा और S-400 रोड मोबाइल है, जो कि सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट में तैनात हो सकता है। और बात कर ली जाए, इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसे नेवी के मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। भारत जिन हथियारों की रूस से जल्द डिलीवरी चाहता है, अगर वो मिल जाए तो युद्ध के हर मैदान में नया हिंदुस्तान चीन पर और भी ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि इनकी शक्तियाँ बेमिसाल है। तो दोस्तों, इस तरह से जो भारत है, भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर चीन काफ़ी घबरा चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस बारे में, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।